आपस में कोई डरने ना पाए, सभी लोग सुरक्षित रहे, सभी लोग ठीक रहे, यह प्रयास करना है। और के साथ साथ अपने साथ जो लोग आए हैं उनको उनके साथ बने रहेंगे। आज भदोही जनपद में जन विश्वास यात्रा को लाखों की संख्या में माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने घर से निकल करके अपना आशीर्वाद दिया। जैसे ही भदोही जनपद में जन विश्वास यात्रा ने प्रवेश किया, बड़ी संख्या में ऐतिहासिक आशीर्वाद भदोही की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया। जब हम लोग रैली स्थल पर पहुँचे तो भगवान इंद्र भी प्रसन्न होकर के ऊपर से बरसात कर रहे थे। और मुझे इस कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि जिस ढंग से ऐतिहासिक मैदान पर लाखों की संख्या में लोग आए, मैं पूरे भदोही जनपद के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्हें अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये चूँकि अतिवृष्टि हुई इसलिए इस कारण सभा पूरी तरह से संपन्न न हो पाई, लेकिन जो भी स्थानीय नेता थे और हम सब लोगों ने वहाँ पर संक्षिप्त उद्बोधन दिया है कि बरसात अधिक थी और चूँकि जाड़े का मौसम है इसलिए लोगों को सुरक्षित घरों तक पहुँचाना था, तो बसों के माध्यम से और जो भी साधन हमारे पास थे जहाँ से लोग आए थे उनको हमने तत्काल वहाँ उनके घरों तक जाने का सुनिश्चित किया कि लोग सकुशल घर पहुँचे। और बहुत आशीर्वाद आज भदोही की जनता ने दिया, उसके लिए मैं वास्तव में हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी क्या है कि वर्तमान स्थिति ये है कि अभी चूँकि अतिवृष्टि हुई है तो पहले ही कार्यक्रम से पहले ही जब लोगों को घर जाने के लिए कह दिया गया था, हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया था कि अब दोबारा कभी कार्यक्रम होगा, इस बार का कार्यक्रम अतिवृष्टि के कारण सबको घर जाने के लिए भेज दिया गया। गृह मंत्री वाराणसी जाएंगे? अब वाराणसी का कार्यक्रम मुझे अभी पहले से तय है और मुझे लगता जाएंगे, अभी इस प्रकार की कोई सूचना मुझे नहीं है।